नमस्ते दोस्तों, मीनू के फ्रंट गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो आज मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का इन प्यारे फूलों के साथ। तो ये प्यारे फूल किसके हैं, किस ये कौन सा पौधा है, ये जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों, तो अंत तक बने रहिएगा। तो जानते हैं दोस्तों कि ये पौधा किस चीज़ का है। तो देखिए दोस्तों, ये है बालसम गुलमेहंदी का पौधा दोस्तों। और देखिए फूल कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे गुलाब की तरह खिल रहे हैं इसमें। तो इस पौधे को मैंने कैसे ऐड किया अपने गार्डन में, तो मैं ज़्यादातर अपने गार्डन में फ्री में ही पौधे ऐड करती हूँ दोस्तों। तो ये बालसम का पौधा बीज लाई थी, मैं घूमने गई थी कहीं पर, तो बीज लाई और बीज से पौधा तैयार की। और फिर देखिए यहाँ फ्रंट गार्डन में ढेर सारा पौधा ऐड कर दी हूँ देखिए यहाँ पर, और फ्लावरिंग हो रहा है, अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। तो ये बालसम का पौधा है, तो ये जो है कि परमानेंट फूल वाला पौधा है दोस्तों। इसमें लगातार फ्लावरिंग एक बार चालू हो जाती है तो फिर लगातार इसमें ढेर सारे फूल आते रहते हैं। तो बालसम का पौधा जो है कि कई वैरायटी में आता है, तो यहाँ पर आपको दो तरह के फूल देखने के लिए मिलेगा। एक देखिए यहाँ गुलाबी कलर है और एक यहाँ पर है रेड कलर, एकदम गुलाब की तरह देखिए खिला हुआ है। तो ये दो तरह का बालसम का पौधा मेरे गार्डन में ऐड हो गया है दोस्तों। तो इस तरह से आप भी यदि फ्री में ऐड करना चाहते हैं इस पौधे को, तो कहीं से भी आप कहीं जा रहे हैं देखें इस पौधे को, देखिए इस बालसम के पौधे का पत्ते जो होते हैं लंबे लंबे होते हैं और किनारे पर नुकीला नुकीला इस तरह से धारदार बना रहता है। तो इस तरह का पौधा आप कहीं पर भी देखें तो उसका बीज कलेक्ट कर लें, और बीज कलेक्ट करने के बाद पौध तैयार कर लें। पौध तैयार करने के बाद आप कहीं पर भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट बीज इसका लगा सकते हैं जहां पर भी इस पौधे को आपको लगाना है। फ्रंट में लगाना तो बहुत ही आसान है। तो देखिए मैंने जितने भी पौध तैयार की थी उसका वीडियो अपलोड होगा चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो जितने भी पौधे मैं तैयार की थी वो सारा मैं ला करके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंट गार्डन में ऐड कर दी हूँ, और थोड़ा सा पौधा लगाई हूँ छत पर भी पार्ट में है, तो वो कभी आप देखे होंगे और जब उसमें फूल आएंगे तो मैं ज़रूर से दिखाऊँगी। तो फ्रंट में ये पौधा ऐड करना तो बहुत ही आसान है, पौधे को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्रो बैग या पॉट में भी लगाना हो तो ये पौधा बहुत ही हार्डी प्लांट है दोस्तों। छोटे से छोटे ग्रो बैग या पॉट में भी लग जाएगा, इसके लिए बहुत बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होती है। कम से कम 8 से 10 इंच लंबा मतलब ऊंचा पॉट रखें इस बालसम के पौधे के लिए, और उसमें आप जिस तरह से फूलों वाली मिट्टी मैं बनाती हूँ उस तरह से फूलों वाली मिट्टी बना करके आप इस बालसम गुलमेहंदी के पौधे को लगा सकते हैं। बहुत ही कम केयर में ये चलता रहता है दोस्तों, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती और ज़्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता है। देखिए इसके जो स्टेम हैं काफ़ी मोटे मोटे हैं और बहुत ही नाजुक हैं ये स्टेम, और इसी में पानी होल्ड करके रखता है ये पौधा, तो इसे ज़्यादा वाटरिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो इसे खुले छत पर भी लगा के रख सकते हैं, लेकिन आप मई जून की तेज़ धूप से बचा करके रखिएगा। और ये बालसम गुलमेहंदी का पौधा जो है कि परमानेंट प्लांट है, और ये एक सजावटी पौधा तो है ही दोस्तों, लेकिन ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसका मतलब आयुर्वेद में कई तरह से उपयोग होता है, यूज होता है, कई बीमारियों में ये प्रयोग किया जाता है। गुलमेहंदी का पौधा ये पत्ते जो होते हैं उनका यूज होता है, तो जो मेहंदी के गुड़ होते हैं दोस्तों वही इस गुलमेहंदी का भी गुड़ है। और देखिए इसमें एक बार जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो देखिए काफ़ी दिन तक देखिए फ्लावरिंग होता रहता है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे कली बनी हुई है, और मैं फ्रंट में ऐड की हूँ तो अभी तक मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है। तो देखिए किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है चारों तरफ, और इसे पिंचिंग भी नहीं किया है मैंने, इसे पिंचिंग नहीं पसंद है दोस्तों। ये खुद ब खुद जब पौधा ग्रोथ कर लेता है तो काफ़ी बूसी बन जाता है। देखिए एक ही पौधा है यहाँ पर
और देखिए कितना बूछी है और कली भी काफ़ी आई हैं। तो इसमें धीरे धीरे डेली मतलब फूल आते रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग होती रहेगी। तो इस तरह से देखिए काफ़ी सारा फूल मेरे फ्रंट गार्डन में लगा हुआ है। बालसम गुल मेहंदी का दो कलर में है दोस्तों, इसका और भी कलर आता है, ये कई कलर में मिलते हैं। यदि आप नर्सरी से बाय करना चाहते हैं पौधे तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर बीज भी आप ला करके बालसम के पौधे को आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो कभी मैं जब पाट या ग्रो बैग में लगाऊंगी इस पौधे को तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी वीडियो। और ये जो है कि बालसम का पौधा कुछ लोग तो मुझसे मांगे हैं, एक मेरी चाची सास हैं तो उनको दो चार पौधे में भी छोटा छोटा उधर है तो निकाल के दूंगी। और यदि कोई मेरे आसपास रहता हो और उसे इस ये फूल देखिए इस तरह से है अच्छा लग रहा हो तो इस फूल का पौधा ले जा सकता है। काफ़ी फूल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं बीज ला करके ग्रो की थी तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पौधा है, 500 पौधे होंगे यहाँ पर। तो इतना पौधा ग्रो बैग या पॉट में लगाना संभव नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे फ्रंट में लगा दिया। तो ले जा सकते हैं, काफ़ी फूल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत कम केयर में ये फूल मतलब खिलते रहेंगे आपके गार्डन में और बहुत अच्छा लगता है। सजावटी भी है प्लस ये मेडिसिनल प्लांट भी है, इसका आयुर्वेद में बहुत ही प्रयोग होता है कई तरह से। जो मेहंदी का गुड़ होता है वही एक गुल मेहंदी है, बालसम या गुल मेहंदी जो भी कहें आप, वो ये पौधा है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो यही निवेदन आपसे है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।